जो लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं वो बेवकूफ लोग होते हैं। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं। इस टाइम इंडिया से इंटेलिजेंट कोई नहीं। रशिया से क्रूड ऑयल भी ले लिया, अमेरिका के साथ भी बढ़िया काम चल रहा है ना, यूरोप के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रखे हैं, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए पूरे अरेबियन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए मोदी जी ने। मोदी जी बहुत ज्यादा दिमाग वाले इंसान है, ऐसे नहीं है कहीं तुम सोचो राहुल गांधी ये इंटेलिजेंट। तो जो लोग लड़ाई में ना पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही लड़ाई करते हैं वो ही लाइफ में आगे जाते हैं। दो तरह की लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है बॉर्डर पे, वो करो अपने देश को प्रोटेक्ट, एक होती है रोडों पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, वो सब बेवकूफी है। आपके पास टाइम फालतू है जिंदगी में, आपकी कोई एस्पिरेशंस नहीं है, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहते, तो थाले बैठे हो तो कुछ तो करोगे, लड़ लो है ना। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप लड़ाइयां कर पाओ। सोच के देखो, आपको आईएएस बनना है, आप सुबह उठे, आपने पढ़ना शुरू किया, आप रास्ते में गए, स्कूटी लेके जा रहे हो, अपनी बाइक लेके जा रहे हो, किसी का टच हो गई, आपका दिमाग चल रहा है यार घर जाके टॉपिक कवर करने, टच हुई है, ज्यादा चोट वोट नहीं आई, किसी को चोट कुछ नहीं आई, कुछ टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस टच हुई है, आप कहोगे अरे यार देख के चलो ना, क्योंकि दिमाग में तो क्या है टॉपिक कवर करना है। और वही ठाला आदमी कोई जाके थड़ी पे सिगरेट पीनी है, जिसको यहाँ से निकला है और आगे सिगरेट पिएगा, रुकना ही वाला था और कहीं भिड़ गया, ज्यादा चोट नहीं उतर के, तूने कैसे मार दी मेरे ये वो, ऐसे कैसे देख के नहीं चला सकता, फुल लड़ाई करेगा, करने कोई कुछ नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है इसको लेके, यही एस्पिरेशन है कि यार एक सिगरेट पी ली, चाय पी ली, चलो घर चलो, फिर जाके वो जो भी काम कर रहे हैं वो कर लेंगे। जिस भी इंसान की एस्पिरेशन होती है लाइफ में वो लड़ाइयां नहीं करता, वो लड़ाइयां किससे करता है, खुद से करता है, उसकी सारी लड़ाई अपने आप से चल रही होती है कि ये क्यों नहीं कर पाया मैं आज, ये मेरा टारगेट था, ये अचीव क्यों नहीं हुआ, कल का दिन, क्योंकि आज जो बैकलॉग आ गया वो कल पूरा करना पड़ेगा, तो फिर कल भी बैकलॉग बन जाएगा, परसों बन जाएगा, और वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। विराट कोहली नहीं बन पाता कोई बैकलॉग लगा के, सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े जो नाम है बहुत मेहनत से बनते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी स्ट्रगल स्टोरी इन्हीं की क्यों सुनते हैं अपन। रिक्शा वाला भी बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, लेबर एक कितनी मेहनत करती है, इतना बड़ा घर बनता है, देखा है ना घर, देखा है इतना बड़ा घर बनता है, और पैसा सबसे ज्यादा कौन लेता है उस घर को बनाने के लिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर, लेबर को थोड़ी मिल रहा होता है। मैक्सिमम पैसा जो जिसने लेबर किया है, जिसका इन्वॉल्वमेंट है घर बनाने में, आप छोड़ दो सामान को हटा दो, बट मैक्सिमम पैसा कौन लेके गया है, कोई प्रोफेशनल की बात करो तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर, कोई बड़ी और चीज बन रही है तो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, वो सबसे ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं। क्यों पढ़ाई की होती बेटा, बने होते हैं, मेहनत की होती है, पीछे वाली मेहनत आगे काम देती है। अब तुम सोचो ये एक एक ऐड करने के धोनी करोड़ों रुपए ले लेते हैं, किया क्या इन्होंने, जाके खड़े हो गए ड्यूरासेल बैटरी लंबी चले, बस इतना सा बोला लंबी चले, उसको मिल गए 1 करोड़, क्यों, पीछे का बैकग्राउंड की मेहनत। तो इसीलिए बोलता हूँ लड़ना है खुद से लड़ो, कुछ बनो, फिर आगे की लड़ाइयां तो खुद हो जाएंगी, दुनिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी लड़ने के लिए। अरे वो कार्तिक सर आ गए, बताओ सर आज किससे लड़ना है, चलो